नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी विकास दुबे को उज्जैन में दबोचने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और जवानों को बधाई देते हुए कहा कि यह भाजपा की सरकार है जिसमें अपराधी पनप नहीं सकते, उन्हें हर कीमत पर निस्तेनाबूद किया जाता है। लेकिन यह बात समझ से परे है कि जब जब अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही होती है तब तब कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द क्यों होता है। सच तो यह है कि इसी मध्य प्रदेश में डाकुओं का राज था, सीमी के आतंकवादी सिर उठाए रहते थे और नक्सलियों का बोलबाला था। कांग्रेस के राज तक इन्हें कुचला नहीं गया, इसका अर्थ क्या समझा जाना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार आते ही 15 सालों में सीमी, नक्सली और डाकू तीनों का सफाया कर दिया गया। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के मामले में भी कांग्रेस यही कह रही है। होना तो यह चाहिए था कि कांग्रेस के नेता अपने राज्य की पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए उसकी प्रशंसा करते, लेकिन दुर्भाग्य से वे इसका उल्टा कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ संस्कारों का संकट है, क्योंकि वह हमेशा षड्यंत्र और साजिशें करके ही शासन चलाते हैं। आज हमारी इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विशेष मैंने इसलिए कहा है कि इस पत्रकार वार्ता में केंद्र की सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के अभियान में जो इस देश के लिए बड़े कदम जो उठाए हैं उनको लेकर के हम इस पत्रकार वार्ता में कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखूंगा। हो सकता है कि आपको ऐसा जरूर लगेगा कि इन बातों की चर्चाएं तो हो रही हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, आप सबके माध्यम से उन बातों को जो गरीब कल्याण के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिन बातों को नीचे जमीन पर जाना चाहिए, लोगों के बीच ये बातें पहुंचे और जो अभियान इतना बड़ा देश के अंदर लिया है, उस अभियान को हम सब भी उसके बड़े एक भाग के तौर पर, हम सबकी भूमिका भी है और समाज के लिए भी इस बात की आज जरूरत है। इसलिए मैं उन बातों का उल्लेख मैं आपके सामने एक बार करता हूं कि आत्मनिर्भर भारत का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने जो लिया है उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान न केवल कोविड-19 की महामारी के संकट से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि एक आधुनिक भारत की पहचान भी इसके माध्यम से बन रही है। एक और आत्मनिर्भर भारत का अभियान के तहत खासतौर पर हमारे जो लघु सूक्ष्म उद्योग हैं, MSME के कल्याण के लिए केंद्र की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 योजनाएं जो लागू की गई हैं, वहीं दूसरी ओर गरीबों के, दलितों के, श्रमिकों और किसानों के लिए भी कई प्रकार के महत्वपूर्ण कदम केंद्र की सरकार ने इस दिशा में उठाए हैं, जिससे हर क्षेत्र में विकास की एक नई गाथा लिखने का प्रयास इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल, यानी संपूर्ण दुनिया के अंदर भारत को सक्षम बनाने के लिए जो नारा उन्होंने दिया है कि वोकल फॉर लोकल, लोकल जो उत्पाद है, स्थानीय उत्पाद है, उसके लिए हम वोकल बनकर के खड़े हों और इसको हम ग्लोबल बनाने का प्रयास पूरी दुनिया के अंदर कैसे करें, यह माननीय प्रधानमंत्री ने इस पर जो अभियान देश के अंदर लिया है कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए स्थानीय उद्यमियों और व्यवसायियों को भी सशक्त बनाने का प्रयास इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए आज यहां पर आपको बताना, मैं ये इसको उचित समझता हूं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत वर्ष को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जो मार्ग प्रशस्त करता है, प्रधानमंत्री जी ने 12 मई 2020 को देश के लिए कुल GDP के लगभग 10% के बराबर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की जो घोषणा की थी, जिसे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अलग अलग दिनों के अंदर, अलग अलग समय में, जिस प्रकार से हमारे सामने 5 दिनों के अंदर सारे पैकेज को हमारे बीच रखा था, जिसमें गरीब कल्याण योजना के लिए भी 1,70,000 करोड़ की प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री ने किया था, उसी प्रकार से आत्मनिर्भर भारत के जो उठाए गए कदम और जो आगामी समय में जिनको लेकर के चर्चा देश के अंदर हुई है और इसका एक इम्पैक्ट समाज के अंदर, भारत के अंदर जो हुआ है कि MSME और उद्योग के अंदर 1 जुलाई तक MSME और अन्य व्यवसायों की 30 लाख से अधिक इकाइयों में को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 1
10.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए का एक फंड्स ऑफ फंड भी इसके माध्यम से बनाया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमारी जो योजना है। इसी प्रकार से जो ऐसे उद्योग कोविड के इस महामारी के संकट में कई प्रकार के दबावों में आए, कई प्रकार की परेशानियों में खड़े हो, उनको भी राहत देने का काम केंद्र की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया कि इस प्रकार की परेशानी में आज जो हमारे उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग, उनको 2 लाख MSMEs को, यानी 2 लाख ऐसे छोटे उद्योगों को अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए 20,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई थी। सरकार ने इसके लिए 24 जून 2020 को डिस्ट्रिक्ट एस्टेट फंड सब ऑर्डिनेट डेट लॉन्च कर दिया गया था। और इसी प्रकार से जो हमारा सूक्ष्म विनिर्माण और सेवाओं की परिभाषा में जो बदलाव आया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा में सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाइयों की परिभाषा को बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट की सीमा 1 करोड़ रुपए और कारोबारी की सीमा 5 करोड़ रुपए तक जो बढ़ा दी गई, इसी तरह छोटी इकाइयों के लिए सीमा बढ़ाकर क्रम से 10 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए की गई। मध्यम इकाइयों के लिए निवेश की सीमा को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए और कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया, कि जिसके कारण से कई प्रकार की परेशानियां जो लघु सूक्ष्म उद्योगों को हो रही थी, उनको इस प्रकार की सीमा में परिवर्तन करके उनको कैसे हम लाभान्वित कर सकते हैं, ये प्रयास केंद्र की सरकार ने किया। जैसे ग्लोबल टेंडर्स के बारे में सरकार ने कह दिया था कि 200 करोड़ रुपए तक के ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे, तो इसके कारण से भी लघु सूक्ष्म और स्थानीय जो हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको भी इसका बड़े पैमाने पर लाभान्वित देश के अंदर वो हुए हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।